ये क्या हाँ होता है? जी हीट सिंक होता है, ठीक है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, ये क्या होता है? एक हीट सिंक होता है, ठीक है। वो फैन क्या करता है? हीट सिंक के अंदर से हवा पार करता है, ठीक है। अगर इस फैन को ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या हमारा कंप्यूटर इसको खराब हो फैन को जाएगा? ब्लॉक कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो मेरा सीपीयू है ना, उसकी रेंज होती है, कोई भी प्रोसेसर जो मैंने लगा दिया उस पर रेंज होती है कि कितने डिग्री से लेके कितने डिग्री टेम्परेचर के बीच में काम करेगा, ठीक है। और फिर हमारा क्या होता है, जो भी प्रोसेसर होगा मेरा, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक सेल्फ टेकिंग केयर मैकेनिज्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे गाड़ी में होता है ना कि पेरेंट केयर वाला जी सिस्टम, सर, कि जैसे कोई भी चीज़ होगी, अगर मान लो सपोज करो जिसकी 120 से ऊपर स्पीड चली गई, वो अपने आप बंद कर देगा किसी चीज़ को, अगर ऐसा कोई सिस्टम बना देता हूँ तो। उसमें भी क्या होता है, ऐसे ही मेरा हाँ जी सर, प्रोसेसर होता है, और वो क्या होता है, आग लगने से बचने के लिए, ठीक है, आग लगने से बचने के लिए उसको क्या होता है, गाइडलाइन होती है, जैसे 45 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाए, ठीक है, 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो वो क्या करेगा, उसको बंद कर देगा, शट डाउन कर देगा, ठीक है। यूजर को पता हो या ना हो, वो सब क्या करेगा, सारे सिस्टम को पता, शट डाउन कर देगा। और अगर कई बार कंप्यूटर के ऊपर काम किया हो तो कई बार देखा होगा तुमने, पहले आती थी, अब तो बहुत कम हो जाता है, कि पहले क्या होता था, कुछ कंप्यूटर थोड़ी देर चलते थे फिर बंद हो जाते थे। लैपटॉप के साथ तो जनरली ये बहुत बार गड़बड़ आती है, अभी भी होती है, कि थोड़ी देर चलेंगे फिर उसके बाद बंद हो जाएंगे, फिर बोलेंगे भाई अब ठंडा हो जाए, अब गर्म है, अब ठंडा होगा, तो फिर उसके बाद ही ये चलेगा, पता है इस बात का। ओके ऐसे ऐसे हाँ करके हम क्या करते हैं, हाँ लैपटॉप हाँ फोन भी हीट हो फोन जाता भी है हीट कई हो बार। जाएगा हाँ तो फोन भी ब्लैक स्क्रीन कर देगा आपका, है ना, जी वो क्या करेगा, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन करके सब कुछ बंद कर देगा। क्यों जी कर सर, देगा, वो अपने प्रोटेक्टिव मोड में चला जाएगा कि भाई मेरे को बंद करना है, आग नहीं लगानी हर एक चीज में, क्लियर है ना। ठीक अच्छा है तो हाँ वो जी क्या सर, करता है, जैसे अभी थोड़ा डिटेल में बताऊं, जी अच्छा सर, पावर ऑफ हीट डेसिपेशन, अब इसका ये बता देता हूँ, ये किस पे काम करता है। हीट सिंक का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, हीट डेसिपेशन। हीट डेसिपेशन का मतलब पता है, थोड़ी फिजिक्स भी पढ़ाऊं। अब वो याद है शुरू में, एक जब हम फिजिक्स पढ़ते थे तो 6ठी 7वीं में था, उसमें आता था कि बोले ये कोई भी है, एक लोहे की रोड है ना, इसको ये वाला सरिया आग में डाल दो और ये वाला हाथ में पड़ने लग जाओ, थोड़ी थोड़ी देर तक जैसे ये गर्म होता रहेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा गर्म होना शुरू हो जाएगा। सुना है कभी ये, जैसे चिमटे और फुकनी का करते थे, है ना, वो वाला हाँ प्रिंसिपल होता है। अब इसमें क्या होता है कि हीट जो है, अगर 11th 12th में पढ़ी हो तो हमेशा ये बताएंगे कि हीट ट्रेवल्स फ्रॉम कहाँ से क्या करेगी, हायर टू लोअर टेम्परेचर जाती है ना, हायर जी टू लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है, लोअर, यानी कि हीट हमेशा क्या हो जाएगी, इस तरफ से चली जाएगी, याद है कि, ठीक है, हाँ जी हायर सर, टू लोअर के ऊपर चली जाएगी, क्लियर है बात, समझ में आई अपनी। ये होता है हाँ जी प्रिंसिपल सर, ऑफ हीट डेसिपेशन। अच्छा हीट, ये प्रिंसिपल ऑफ हीट होता है, ये तो हीट डेसिपेशन का मतलब मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब सपोज करके ये वाला हिस्सा तूने आग में डाला हुआ है, ठीक है ना, और इस वाले हिस्से पे तू ठीक बर्फ है से सर, जमा दे, ठीक है, यहाँ क्या कर दे, पूरी बर्फ जमा दे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब जिसकी पावर ज्यादा होगी, अगर मान ले हीट ज्यादा होगी तो ये बर्फ को पिघला देगा, अगर बर्फ ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ये आग को भी बुझा देगा, इस तरीके से काम हो जाएगा, क्लियर है ना। अब जैसे मैंने हीट सिंक बनाया है, हीट सिंक क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रोसेसर हो जाएगा, और वो क्या करता है, इसके ऊपर एक ऐसी प्लेट लगा देता है, ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए हम जनरली यूज करते हैं, जो एल्यूमिनियम का बना हो, और उसके ऊपर क्या होता है, ऐसी ऐसी चीजें जो है वो यूं बना देते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब सर इसके ऊपर बहुत सारे प्रिंसिपल काम करेंगे, ए अब देख, जैसे ये वाला सरफेस हीट होगा, ठीक है, तो जो भी हीट आएगी वो ऐसा तो नहीं होगा कि इतने बराबर ही हीट होगी, अब ये आधी इस टुकड़े में बटेगी, आधे इस टुकड़े में बटेगी, आधे इस टुकड़े में, आधे इस टुकड़े में, आधे इस टुकड़े में, आधे इस टुकड़े में, तो इस तरीके से वो अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगी,
है ना। अब जितनी गर्म नीचे वाली प्लेट होगी ये वाली उसके बराबर होंगी, उसके बराबर नहीं होगी भाई ये, क्योंकि यहाँ तो वो सिंगल प्लेट जो है उस चीज को बियर कर रही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वही पार्ट जो है मल्टीपल कंपोनेंट में टूट जाएगा। क्लियर है? जितनी भी ये हीट दे रहा था तो यहाँ पे सपोज कर उसके 20 कंपोनेंट है तो उसकी 1/20 हो जाएगी एक इसके ऊपर। क्लियर है ना। अब उसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, उसके ऊपर मैं फैन लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्या कर दिया एक फैन लगा दिया। अब फैन क्या करेगा, ये तो क्या करेगा, ये वाला हिस्सा ज्यादा गर्म होगा कंपेरेटिवली इस वाले के, है ना। तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैं फैन चला दूंगा इसके बीच में से हवा पास करता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे हवा पास होगी वो क्या करेगा, यहां से देख अगर ये वाली चीजें गर्म होंगी तो इनके बीच वाली हवा भी गर्म होगी, है ना। तो अगर मान ले यहाँ पे भी आग लगी और यहाँ पे भी आग लगी हो, तुम बीच में खड़े हो जाओ तो गर्मी लगेगी या नहीं लगेगी, है ना। और उसी के बीच में अगर तुम्हें यहाँ कूलर लगा दे तो यहाँ बेशक आग लग रही हो, तुम्हारे ऊपर असर आएगा या नहीं आएगा। सपोज करो कुछ भी कूलर लगाओ, एसी लगाओ, यहाँ आग लगा दो, यहाँ आग लगा दो, तो जितना बिना एसी के फर्क आएगा उससे तो कम ही लगेगा ना, है ना, यही वाला फर्क पड़ेगा। अरे हाँ यार ना, जल्दी समझना। ठीक है, हाँ सर, तो हाँ। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, जब हम फैन लगा देते हैं तो ये उसके बीच की हवा को रिप्लेस करता रहता है, तो गर्म हवा जो है वो ऊपर उठ के बाहर चली जाएगी और उसकी जगह जो है ठंडी हवा लेती रहेगी। अब कंसेप्ट समझ में आया? तो जो भाई गाड़ियों में रेडिएटर होता है, एसी के अंदर जो वेंट होता है ना, जहां पर भी कहां पर भी ठंडा गर्म होता है। ठीक है, हॉट और कोल्ड जहां मिलेगा ना, सुन रहे हो, हमेशा वहां पे हीट सिंक मिलेगा। जहां पर भी हॉट कोल्ड मिलेगा एक हीट सिंक बना होगा और उसके ऊपर फैन लगा हुआ होगा। अब और चीज का एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे घर में एसी देखा तुमने, एसी में क्या होता है, एक तो मेरा वो लगा देते हैं उसके अंदर क्या होता है, कंडेंसर होता है। ठीक है, और अगर मैं विंडो एसी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, उसमें पीछे बहुत सारी जाली बनी होती है ना, आगे वो क्या हो जाएगा, और आगे उसमें क्या होती है, कॉपर वायर होती है। ठीक है, तो कंडेंसर क्या करेगा, उस कॉपर वायर के बीच में से तो क्या करेगा, एक हवा जो गैस है उसको घुमाता रहेगा, है ना। और क्या हो जाएगा, जो एसी होगा मेरा, जैसे यहाँ पर मेरी कंडेंसर हो गया, यहाँ मेरा क्या है एक फैन लगा हुआ, और यहाँ पे क्या है एक बहुत बड़ी जाली लगी हुई है। अगर मैं विंडो एसी का एग्जांपल लूँ, ऐसे ही इसी प्रिंसिपल पे बनेगा, बनता है ना, है ना। जी सर, तो वो क्या करता रहता है, जैसे भी ये चीज आ जाएगी, अब देखो कंडेंसर तो क्या करता रहेगा, इसको हवा देता रहेगा, इसको ठंडा रखेगा। ये फैन क्या करेगा, उसके अंदर से जो यहाँ पे देखो इतनी सारी जाली बन जाएंगी, है ना, वहां से हवा लेके क्या करेगा, इसके थ्रू पास करता रहेगा, है ना, और वो छोटे से हाँ पॉइंट से इस तरीके से, जैसे ही बाहर से हवा आ जाएगी तो वो इसके बीच में आती है, अलग अलग पत्तियों के बीच में ठंडी हो जाएगी, है ना, वो हाँ ठंडी जी हो जाएगी और ठंडा यहाँ पे आ जाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है एसी के काम करने का। क्लियर है? तो यहाँ पे भी देखो एक हीट सिंक यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे भी क्या आ गया, एक फैन आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एक कंडेंसर आ गया। क्लियर है बात समझ में आई? हाँ अब जी सर, यही वाली चीज अगर और थोड़ी डिटेल में समझोगे तो हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर होता है, तो मैं इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भी क्या होता है, पीछे से ऐसे जाला बना हुआ होगा, एक पाइप जा रही होगी, है ना, और उसके बीच में क्या हो जाएगा, ऐसी 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 मल्टीपल जाली यूं जो है वो बनी हुई होगी। क्लियर है ना। तो उसमें क्या जी हो जाएगा, जो कंडेंस एयर है वो इसमें चली जाएगी। ये वाला किसका काम करेगा, ये वाला काम करेगा ऐसे हीट सिंक का, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो हॉट एंड कोल्ड जो है उसको मेंटेन करेगा। अब समझ में आया भाई, गर्म और ठंडा कैसे अचीव करते हैं हम। क्लियर है? जी सर, और तो और बर्फ की फैक्ट्री का भी एग्जांपल दूं
समझ आ गया भाई हीट सिंक का कंसेप्ट। चलो एक हीट सिंक ने पता नहीं क्या से क्या करवा दिया।